चंद्रयान 3 को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है, क्योंकि चंद्रयान 3 ने वो इतिहास रच दिया है जिसे सुनकर सारे देश विदेश नहीं बल्कि सारी दुनिया ही खुशी से झूम उठी है। और यहाँ पर इसरो के जितने भी वैज्ञानिक है उन्हें तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इसरो ने वो कमाल कर दिखाया है, वो इतिहास रचा है जो आज तक कहीं कोई भी देश नहीं रच पाया है। सब कुछ बताएंगे वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल पर आपको चंद्रयान 3 की पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। और अगर आप भारत देश से हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर जय हिंद इसरो जरूर लिखें, क्योंकि भारत का बहुत ही नाम रोशन करने वाला है इसरो। तो यहाँ पर चंद्रयान 3 के लिए आपको एक कमेंट, एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं चंद्रयान 3 ने ऐसा कौन सा वो इतिहास रचा जिसे सुनकर खुशी का ठिकाना नहीं रहा है इसरो में। तो यहाँ पर हम सब कुछ यहाँ पर आपको फुल डिटेल में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इसरो ने ऐसा कौन सा पिक्चर सेंड किया है। तो इसरो ने यहाँ पर जो पिक्चर सेंड किया वो आप स्क्रीन पर यहाँ पर देख सकते हैं कि इसरो ने यहाँ पर जो पिक्चर सेंड किया है उसमें बताया जा रहा है कि वहाँ पर चांद पर एलियन होने की संभावना है। तो यहाँ पर इसरो ने और दूसरा जो फोटो सेंड किया है तो उसमें बताया जा रहा है कि इसरो ने बताया है कि इस चांद पर जमीन जो है, जमीन में वहां पर पानी भी मौजूद है। यानी अभी दूसरा राउंड कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी इसरो ने कुछ ऐसे विजुअल भेजे जिसमें देखा जा सकता है कि चांद पर पानी भी है। अगर चांद पर पानी होगा तो चांद पर जीवन भी हो सकता है। यहाँ पर बिल्कुल बहुत ही आसान भाषा में आप समझ सकते हैं, जहाँ पर पानी होगा, जहाँ पर ग्रेविटी कम होगी वहां पर इंसान रह सकता है। तो यहाँ पर ग्रेविटी भी सही पाई गई है, मतलब पृथ्वी से मिलती जुलती ग्रेविटी पाई गई है। तो इससे पता चलता है कि चांद पर रहना भी संभव हो सकता है। तो ये बहुत ही बड़ी अपडेट आई थी चंद्रयान 3 को लेकर, क्यों चंद्रयान 3 भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुशी से झूम उठा है और उसने अपना वॉइस मैसेज दिया है कि मैं चांद पर आ चुका हूँ, मैं चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला हूँ। ये भी